रायबरेली में महिलाओं के सशक्त बनाए और उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति की एक नया आयाम दिलाया जा सके, इसके लिए नारी शक्ति जागरण मंच के तत्वावधान में हजारों महिलाओं के समागम के कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोपाल सरस्वती मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित पर्वतारोही अरोड़ा सिंह एवं सुधा सिंह के साथ राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय अधिकारी शरद रेणु ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की विभाग संयोजन का निधि द्विवेदी ने लखनऊ विभाग की हजारों महिलाओं को सम्मानित किया। आज अभी तो गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में हम लोग काम किया है और यहाँ पे आज ही जो महिला दिवस है और नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ आपने भी देखा है कि आज रविवार है, रविवार में कितनी कितनी महिलाएं आई, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी भीड़ मैंने कहीं भी देखी, वो भी रायबरेली में और सब आए और इकट्ठा हुए हैं, तो मतलब बड़ी अच्छी बात है। और ये सब आज का दिन मुझे लगता है कि हर हर समय इन लोग को एक साथ रहना चाहिए और अपनी लड़ाई हर चीज़ के लिए, कि आजकल आप देख रहे हैं कि कितने कभी भी बच्चियों को कोई छेड़ दे रहा है या मतलब कुछ भी कर दे रहा है, इससे हम लोग को एक आज सब इकट्ठे हुए सभी लोग अपना अपना वक्तव्य बोल रहे हैं कि ऐसे महिलाओं को रहना चाहिए, ऐसे सशक्त बनना चाहिए। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।